ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसेरियंस की तरफ। अप्रैल 2024, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं श्री जगन्नाथ जी की, भगवान श्री जगन्नाथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स इज वॉचिंग यू क्लोजली। आप देख सकते हैं आपकी जो भी यू नो ख्वाहिशें हैं, मेक श्योर इस टाइम पे जो भी आप सोच रहे हैं, यू नो आप क्या चाह रहे हैं, क्या विश कर रहे हैं, व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्डली पावर आपको जो यू नो लाइफ में और उसमें स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, वर्ल्डली पावर दैट मींस मान सम्मान, डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति, आप कृष्ण से और ज़्यादा जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री विष्णु से। ठीक है, एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है, इट्स अबाउट यू नो लाइक कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड, मतलब भगवान के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा यू नो डीप हैविंग इंसाइट्स, या हो सकता है कि आपको डाउनलोड्स हो रहे हों, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, या आप कोई ऐसा काम करते भी हों ऑफकोर्स। ठीक है, और खुद के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपना पाथ चूज कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, सो सर्विस ऑफ गॉड। अब कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप मतलब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है, कि डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हमेशा ही ब्यूटीफुल होती हैं, तो इनको रिसीव कीजिए। चलिए, कैंसेरियंस के लिए और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 2024 में, लेट्स फाइंड आउट। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर, फाइनेंस, सनशाइन का कार्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी, सक्सेस इज़ ऑन द वे। ठीक है, स्मॉल सक्सेस, बिग सक्सेसेस तो ऑलरेडी एंजल्स बता चुके हैं आपको कि इस टाइम पीरियड में आप जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ध्यान से, बिकॉज इट कैन मैनिफेस्ट इन टू रियलिटी। सनशाइन है आपके करियर पे, आपके बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस टाइम, इट्स अ वेरी गुड टाइम। कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है यू नो और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कोई ओपन हो सकती है। रोमांस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि यू नो लव लाइफ आपकी आगे की तरफ बढ़ सकती है। कमिटमेंट, किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, किसी से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। पर्सनल रिचेस का कार्ड आ रहा है, अगेन वही चीज़ है कि सक्सेस इज़ ऑन द वे, आपके फाइनेंसिस जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, बस आपको क्या अवॉइड करना है, जो गेटिंग रिच इंस्टेंटली यू नो वो अवॉइड करना है। प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है, अब प्रॉपर्टी का कार्ड आ रहा है, दैट मींस कि लाइक यू नो कि आप इन्वेस्ट हो सकता है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या सोच रहे हो। सो ब्यूटीफुल एनर्जी कैंसेरियंस, बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, इसको हम यहाँ साइड पे रखेंगे। थोड़ा लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ओह, वर्थ वेटिंग फॉर, वाव। सो एंजल्स कह रहे हैं कि अब जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। सो डिवाइन टाइमिंग मतलब, देखिए हर रिलेशनशिप की एक टाइमिंग होती है, और डिवाइन यू नो एक टाइमिंग सेट करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कब फ्लरिश होने है, आपकी लाइफ में क्या होना, अगर आप बिलीव करते हैं ऑफकोर्स, तो हमेशा मैं कहती हूँ ना, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, तो वो चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में। कीप एन ओपन माइंड, एंजल कह रहे हैं अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए। ठीक है, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री, सो ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट देयर इज़ अ कनेक्शन, बट शायद हो सकता है या तो आप डर रहे हैं, वन साइडेड लव है, या अट्रैक्शन का है, केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, सो यू नीड टू पुट एफर्ट्स। ठीक है, येस, दिस इज़ योर सोलमेट। हो सकता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है टू कीप दिस गोइंग। ठीक है ना, तो ये अब आपको देखना है हाउ टू पुट एफर्ट्स, कैसे इसको यू नो बदलना है, बिकॉज लव इज़ सेट टू सिजल। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि रोमांस के बहुत हाई चांसेस हैं, अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छा है कि
इफ़ यू आर सीकिंग अ कनेक्शन, अगर आप एक कनेक्शन के ना ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन और अच्छा टाइम है। आप किसी कनेक्शन में आ सकते हैं और रोमांटिक लाइफ आपकी रिवाइव हो सकती है। एंड इफ़ यू आर अ कपल, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट समवेयर, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस आ रहा है, इमोशनल, फिजिकल और रोमांटिकली वो डिस्टेंस आ रहा है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए यू हैव टू यू नो, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है लाइक यू नो इट्स इस काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो रिकैप्चर कीजिए रोमांस को। अब जो आपके पार्टनर हैं, आई थिंक अगेन वही चीज़ है कि कोई है आपके अराउंड भी जो आप सोलमेट एनर्जी आ रही है, दैट दे आर ऑल्सो सर्च इन अ सर्च ऑफ सोलमेट। ये पर्सन लाइक यू नो चाह रहे हैं समबडी स्प्रेइंग विजुअलाइजिंग, सो यू बोथ हैव टू, अगर आपको आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लव आए, तो यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज, ठीक है। तभी कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। सो या ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर योर लव लाइफ, और अपने अंदर वो क्या कहते हैं उसको कि पॉजिटिव फीलिंग लेके आइए, कि पॉजिटिव, कि हाँ आपकी लव लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जब तक वो पॉजिटिव आवाज़ अंदर से नहीं आएगी, तब तक कैसे ही रिलेशनशिप में रोमांस होगा, है ना। एक्सक्यूज मी, अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज आई थिंक सोच समझ के आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है ना, और या हो सकता है विद इन अ मंथ चेंजेस, वी आर गेटिंग द चेंजेस। अब वो सैलरी हाइक हो सकता है कि सैलरी बढ़े, या कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू जॉब ओनली। आपको यू नो प्राइज मनी जिसे कहते हैं कि आपके हार्डवर्क का, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक रिकग्निशन दैट यू आर बींग रिकग्नाइज फॉर योर वर्क, अपने काम के लिए, अपनी यू नो जो आप डिज़र्व करते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब अब आपको फाइनली वो अच्छा पे मिल रहा है, या फाइनली आप जो डिज़र्व कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कैंसेरियंस के लिए। हो सकता है यू नो लेटली आप बहुत ज़्यादा यू नो लो फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, बैक स्टैब्ड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नथिंग इज़ वर्किंग, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अब क्या गाइडेंस है ये हम देखना चाहेंगे। ओह, तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं लव आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो हर चीज़ में कहते हैं ना एक बुराई होती है लेकिन अच्छाई भी होती है, तो आप बुराई को छोड़ के अच्छाई देखना शुरू कर दीजिए इस पर्सन में, इसमें 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 एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आपके अराउंड है, आप ये सोचिए कि अगर एक बुराई है तो अच्छाई भी है, तो अच्छाई एंजल्स कह रहे हैं ढूंढने की कोशिश कीजिए। डू वट एवर यू आर डूइंग आउट ऑफ लव, ठीक है ना, कि लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप गलतियाँ बहुत निकालते हैं दूसरों में, या हो सकता है कि यू नो जाने अनजाने पास्ट में जो चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको बहुत अफेक्ट किया है, तो इस वजह से यू नो यू ऑलवेज लाइक फिंगर पॉइंट। सो वो चीज़ है एंजल्स यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस हैपनिंग इन अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।